नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर टू, उसमें नंबर वन उसके अंदर आपको सॉल्यूशन लिख के दिया है, जो दोनों इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन लिख के दिया है और हमें फाइंड करना है इसके अंदर ए और बी, यहाँ पे जो कॉफिशियंट में आपको वेरिएबल दिया है ए एंड बी, वो हमें फाइंड करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 7 लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर देना है। दूसरा इक्वेशन में देखो थोड़ा अलग है, ए माइनस बी एक्स, ये एक्स का कॉफिशियंट पूरा ब्रैकेट, ए प्लस बी वाई ये वाई का कॉफिशियंट, और यहाँ पे देखो इक्वल में लिखा है 3a प्लस बी माइनस 2, इसमें कोई भी वेरिएबल x और y है, x भी नहीं है y भी नहीं, इसका मतलब ये पूरे का पूरा हो गया कांस्टेंट। x का कॉफिशियंट a माइनस बी, y का कॉफिशियंट a प्लस बी, इसमें कहीं भी x और y नहीं है, इसका मतलब पूरे का पूरा क्या हो गया कांस्टेंट। उसको लेफ्ट साइड लेके जाओ तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3a माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और अभी हमें लिखना है ए वन ए टू, तो ए वन यानी x का कॉफिशियंट 2 और यहाँ पे x का कॉफिशियंट a माइनस बी हो गया, बी वन बी टू, तो b1 यानी y का कॉफिशियंट 3 और यहाँ पे y का कॉफिशियंट a प्लस बी, क्लियर। उसी तरह कॉन्स्टेंट माइनस 7 लिखा, c1 इज इक्वल टू माइनस 7 और ये पूरे का पूरा जो लिखा है माइनस 3a माइनस बी प्लस 2 ये आपका कहलाएगा कॉन्स्टेंट c2, लिख दिया। और ये आपको क्वेश्चन में लिख के दिया है ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख के दिया है, अगर आपका सॉल्यूशन इनफाइनाइट है इसका मतलब आपका कंडीशन क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस कंडीशन के हिसाब से आपको ये लिखना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। चलो a1 अपॉन a2 यानी 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल b1 अपॉन b2 यानी 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल c1 अपॉन c2 यानी माइनस 7 माइनस 3a माइनस बी प्लस 2 हो गया। अभी यहाँ पे आपको a और b फाइंड करना है इसमें से, लेकिन तीनों का कंपैरिजन साथ में पॉसिबल नहीं है, तो हम दो दो की पेयर लेंगे, दो दो की पेयर यानी देखो यहाँ पे 2 अपॉन a माइनस बी लिखा है इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी लिखा है, देखा हमने पहले दोनों टर्म्स ले लिए 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। और अभी हम इसका सिंप्लीफाई करते हैं कैसे, तो देखो क्रॉस मल्टीपल ही करना है, a प्लस बी का मल्टीपल 2 के साथ a माइनस बी का मल्टीपल 3 के साथ, तो a इंटू 2 यानी 2a, b इंटू 2 यानी प्लस 2b, यहाँ पे a इंटू 3 यानी 3a माइनस b इंटू 3 यानी माइनस 3b हो गया। अभी ये a वाला टर्म लेफ्ट साइड लेके जाओ, b वाला टर्म राइट साइड लेके जाओ, तो 3a पॉजिटिव है लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 3a, प्लस 2b ऑपोजिट साइड जाएगा तो माइनस 2b, 2a माइनस 3a यानी माइनस a, माइनस 3b माइनस 2b यानी माइनस 5b, माइनस माइनस कट यानी a इज इक्वल टू 5b, रिजल्ट नंबर 1, यानी कि पहले दोनों का कंपैरिजन करने से आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा a इज इक्वल टू 5b, आपको श्योर वैल्यू मिलती नहीं है। तो श्योर वैल्यू फाइंड करने के लिए, परफेक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन किया उसी तरह आपको सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन करना है, देखा 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 3a माइनस बी प्लस 2, और इसमें भी आपको अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी a प्लस बी इन दोनों का मल्टीपल माइनस 7 के साथ, देखो माइनस 7 इंटू ए माइनस 7a माइनस 7 इंटू बी यानी माइनस 7b, उसी तरह ये तीनों के तीनों टर्म 3 से मल्टीपल होगा तो 3 इंटू 3 यानी माइनस 9a, 3 इंटू बी यानी माइनस 3b, 3 इंटू 2 यानी 3 × 2 = 6, क्लियर। अब ये दोनों a और b इक्वल के राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड लेके जाओ तो माइनस 7a माइनस 7b माइनस 9a लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस, और ये माइनस वाला भी टर्म इस तरफ आएगा तो प्लस इज इक्वल टू 6। आगे 9a में से 7a माइनस करो तो 9a माइनस 7a यानी क्या लिखेंगे 2a, और यहाँ पे 7b में से 3b माइनस करो तो 7 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस 4b इज इक्वल टू 6। और अभी आपको यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी है जो हमें आगे सिंप्लीफाई किया था, a इज इक्वल टू कितना मिला 5b, तो यहाँ पे लिखना है a की जगह पे 5b, 2 इन ब्रैकेट 5b माइनस 4b इज इक्वल टू 6,
ए की वैल्यू लिखी 5b, रीजन लिखना है फ्रॉम 1, रिजल्ट नंबर 1। अभी 5 2 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, 10b माइनस 4b यानी 6b इज इक्वल टू 6, 6 का प्रोडक्ट यहाँ पे मल्टीपल दिया है, मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड 6 अपॉन 6, यानी b इज इक्वल टू 1। ये आपकी b की परफेक्ट वैल्यू मिल गई, b इज इक्वल टू 1। अभी b इज इक्वल टू जो 1 मिला है वो यहाँ पे डाल दो इक्वेशन नंबर 1 यानी कि रिजल्ट नंबर 1 में। a इज इक्वल टू 5b, b की जगह पे 1, 5 1 5, यानी a इज इक्वल टू 5। तो इस तरह आपको a और b दोनों की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है।